सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और यही वजह है जो आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान से वो कड़ाई से पेश आता है। भारत का संबंध उस किसी देश के साथ भी संभव नहीं है जिसका दूर दूर से आतंकवाद से कोई भी नाता है। भारत के आतंकवाद को लेकर सीधी, सरल और स्पष्ट नो टॉलरेंस की नीति है, क्योंकि भारत की नज़र में अच्छा या बुरा नहीं, आतंकवाद आतंकवाद ही होता है। और उसके बाद पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से तो भारत से ज्यादा और भला कौन ही त्रस्त है। भारत ही तो वो देश है जो रोज के तौर पर पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों का सामना करता है, उनसे लड़ता है, उनसे अपने नागरिकों की सुरक्षा करने की पूरी कोशिश करता है। ऐसे में भारत को ये पता लगे कि आतंकवाद के वित्त पोषण की निगरानी करने वाली पेरिस स्थित संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को उसकी ग्रे लिस्ट से बाहर रख दिया है, तो फिर भारत ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। भारत ने एफएटीएफ के इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया, हमारा पड़ोसी भारत में शांति से खुश नहीं है। दुनिया देख रही है कौन सा देश आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। हमारा विदेश मंत्रालय सतर्क है और उचित कार्रवाई करता है। भारत तो ये लड़ाई लड़ता ही आया है और आगे भी लड़ता रहेगा, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है, बावजूद इसके जब पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का कथित अनुपालन केवल एक दिखावा है, आतंकवादी शिविर अभी भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है, पाकिस्तान के मदरसे में अभी भी जिहाद मॉडल पर पढ़ाई करवाई जाती है, ये सब बर्दाश्त से बाहर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान जून 2018 से ग्रे लिस्ट में था उसे अचानक से ग्रे लिस्ट से बाहर आने की वजह किसी को पता नहीं है। सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में एफएटीएफ की एक और एजेंसी पैसिफिक ग्रुप, जिसका पाकिस्तान सदस्य है, उसने पाकिस्तान का दौरा कर ये जानने की कोशिश की थी कि एफएटीएफ के निर्धारित बिंदुओं में से कितने पर अब तक काम किया गया है। एशिया पैसिफिक ग्रुप के दौरे से पाकिस्तान खुश हुआ था और दौरे को पाकिस्तान ने अच्छा भी बताया था। अब जिस ग्रुप का पाकिस्तान खुद सदस्य है, वो ग्रुप भला पाकिस्तान को एफएटीएफ से बाहर लाने के लिए तो प्रयास करेगा ही, किया गया और देखिए परिणाम। पाकिस्तान ने आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए पिछले 4 साल में कुछ नहीं किया, जो कुछ थोड़ा बहुत किया वो भी सिर्फ दिखावे की ही कार्रवाई की है। जब एशिया पैसिफिक ग्रुप जांच के लिए पहुंचा होगा तो पाकिस्तान ने थोड़ा और बदलाव कर दिया होगा, कुछ और स्वांग रच दिया होगा, जिसमें तो वो माहिर ही है। ऐसे में कर दी गई पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर करने की पेशकश, और देखिए पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है। निश्चित तौर पर भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान की गतिविधियां हैं, पाकिस्तान को तो ग्रे लिस्ट में नहीं बल्कि एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में होना चाहिए था। आपको बता दें, पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों की तीव्रता देखते हुए ही उसे जून 2018 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया था। एफएटीएफ ने उस वक्त आतंकवाद के लिए होने वाली गलत फंडिंग, अनियमितता, जांच में कमी, गैर सरकारी संस्थानों में मनी लॉन्ड्रिंग को विश्व के वित्तीय सिस्टम के लिए बड़ा खतरा माना था। एफएटीएफ ने पहले पाकिस्तान को 27 बिंदुओं पर काम करने को कहा था, इसके बाद इन बिंदुओं को बढ़ाकर 34 और फिर 40 तक कर दिया गया था। हालांकि इन सभी बिंदुओं में से पाकिस्तान सिर्फ कुछ ही बिंदुओं पर काम करता हुआ खुद को दिखा पाया था। ऐसे में जानना यहाँ ये भी जरूरी है कि ग्रे लिस्ट में होने का मतलब क्या होता है। ग्रे लिस्ट में होने से क्या है मतलब? ग्रे लिस्ट में होने से किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय प्रणाली तक पहुंच प्रतिबंधित हो जाती है। देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे बहुपक्षीय संगठनों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ग्रे लिस्ट में आने का मतलब है सुधारात्मक उपाय करने के लिए चेतावनी, और ऐसा नहीं करने पर फिर बारी एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में आने की भी आ सकती है। पाकिस्तान भी इस ब्लैक लिस्ट में आने ही वाला था, जिस तरह से सीरिया, तुर्की, म्यांमार, फिलीपींस, दक्षिण सूडान, युगांडा और यमन, लेकिन पाकिस्तान इस लिस्ट में आने से बाल बाल बच गया था और अब तो वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से भी बाहर कर दिया गया है। भारत देखेगा, इस पर नजर बनाए रखेगा कि आखिर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए पाकिस्तान ने क्या हथकंडे अपनाए हैं, क्योंकि भारत ही वो देश है जो पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों से सबसे ज्यादा त्रस्त है। वैसे आप पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से बाहर होने को कैसे देखते हैं? क्या वजह है जो पाकिस्तान पर ये कृपा की गई है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।